वेलकम टू क्लास 9 वाला। तो आज का जो वीडियो है आप सभी क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है, और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो जो आपका एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसको हम लोग जानेंगे कि ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कुछ सिलेबस में चेंज हुआ है और क्या चेंज नहीं हुआ है, यानी क्या हमें पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि ज़्यादातर बुक्स जो है एनसीईआरटी की बच्चों के पास है वो पुरानी वाली है, अभी नई बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि आज मैंने भी बुक नई वाली बुक खरीदने की कोशिश की बट हमें मिला नहीं, तो हम लोग आज उसको कंपेयर करेंगे। देखिए अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी को कंपेयर करते हैं तो टोटल 3.1 से लेकर के ओल्ड एनसीईआरटी में आपको टोटल 3.6 तक के एक्सरसाइज दिए गए हैं, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6, टोटल 6 एक्सरसाइज आपको दिए गए हैं। और हमारी जो न्यू एनसीईआरटी है, जो आपका रिवाइज एनसीईआरटी आया है सेशन 2023 एंड 24 के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इस चैप्टर में न्यू एनसीईआरटी बुक में सिर्फ और सिर्फ 3 एक्सरसाइज दिए गए हैं, 3.1, 3.2 एंड 3.3। तो इस वीडियो को देखने के बाद से जो भी आपका कन्फ्यूज़न होगा, आपके पास अगर पुरानी एनसीईआरटी होगी तो आपको 100% कन्फर्म हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जो नई एनसीईआरटी है उसमें जो आपका 3.1 है, न्यू एनसीईआरटी का 3.1 पुराने वाले एनसीईआरटी का 3.2 है। क्या है? पुराने वाले एनसीईआरटी का 3.2 है, यानी 3.1 को आपके सिलेबस से हटा लिया गया, इसे हमें नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी की बुक है तो हमें 3.1 को नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। देन जो 3.2 है वो 3.3 है एनसीईआरटी का, पुरानी वाली एनसीईआरटी का, एंड जो 3.3 है वो आपका 3.4 है पुरानी वाली एनसीईआरटी का। ठीक है, तो बस ये तीन चैप्टर्स, तीन एक्सरसाइज हमें पढ़ना है एनसीईआरटी के ओल्ड बुक से, बाकी इनको रिमूव कर लिया गया है। ठीक है, तो एक बार आपको मैं एनसीईआरटी की बुक भी दिखाना चाहूँगा कि देखिए आपके सामने ये एनसीईआरटी की पुरानी बुक है और हमें इनमें क्या क्या नहीं पढ़ना है इसको हम लोग जानेंगे। तो 3.1 को आपके सिलेबस से हटा लिया गया, इसको हमें नहीं पढ़ना है, इस पर आप क्रॉस मार लीजिए। 3.2 हमारे सिलेबस में, इसको हमें करना है। देन 3.3 भी हमारे सिलेबस में, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। और देन 3.4 एलिमिनेशन मेथड भी हमारे सिलेबस में, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, 3.5 आपके एक्सरसाइज से हटा लिया गया है, इसको हमें कोई सॉल्व करने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है, 3.5 ये आपके सिलेबस में नहीं है। एंड 3.6 भी आपके सिलेबस में नहीं है, इनको आपके बुक से रिमूव कर लिया गया, इनको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड 3.7, तो ये न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी के कंपेरिजन में आप सभी के क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिलेबस है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।